बसमर रही अलगम डे स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ हम सब लोग ठीक ठाक होंगे खैर खैरियत से होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे देखिए आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर थ्री प्रोडिक्टेबल एंड प्रियोरिस प्रॉपर्टीज़ के एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अगर आप क्लास नाइन के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुश है वो ये है कि चैप्टर नंबर वन से लेकर चैप्टर नंबर एट तक सारे चैप्टर्स मैंने किए हुए हैं विद एक्त अब मैं एस बेस्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ चैप्टर नंबर थ्री थ्री के इससे पहले चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर टू के एसलोबेस क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं हमें पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है इसलिए इसे टाइम को ज़ाय नहीं करेंगे और अपने आज का टॉपिक शुरू करेंगे क्लास नाइन चैप्टर नंबर थ्री एस एलो बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम देखिए तो आप बुक उठा के देख लें और जैसे ही चैप्टर नंबर थ्री आप खोल दे तो इसके फर्स्ट पेज पे आपको ये एसलो बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे द फर्स्ट फर्स बेस्ड क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन टेबल क्वेश्चन नंबर वन में हमें कहा गया है कि आप हमें पीरियड्स और ग्रुप्स में फर्क बता के दो ये टेबल में जो पीरियड्स और ग्रुप्स होते हैं इनमें फर्क क्या है तो देखिए पीरियड्स और ग्रुप्स में डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा है जो टेबल के हॉरिजेंटल रोज होते हैं जब हम टेबल में हॉरिजेंटली जाते हैं इस तरह लेफ्ट टू राइट तो ये हमारे पास पीरियड्स होते हैं दी हॉरिजेंटल रोथ ऑफ़ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर कार्ड पीरियड्स However, जो वर्टिकल होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो इसे हम कहते हैं ग्रुप्स सो वी कैन से दैट द वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट्स इन प्रियोडिक टेबल आर कार्ड ग्रुप द वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट्स इन टेबल आर कार्ड ग्रुप हा जो प्रियोडिक टेबल में होते हैं वो टोटल सेवन पीरियड्स होते हैं इस तरह अगर हम जाएं तो टोटल सेवन पीरियड्स होते हैं लेंथनाइट और एक्थनाइट फीरीज भी यहाँ पर इंक्लूड है सही है सो वी कैन से दैट दे आर देर आर टोटल सेवन पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल इन एटीन ग्रुप्स अगर हम ग्रुप वाइज जाएं तो हमारे पास वन से लेके एटीन ग्रुप्स हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में अच्छा सेवन ग्रुप्स एंड एट सॉरी सेवन पीरियड्स एंड एटीन ग्रुप्स अच्छा जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं प्रियोडिक टेबल में तो हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज़ होता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास न्यूक्लियस में इंक्रीज़ होते हैं पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का इंक्रीज होता है जबकि नंबर ऑफ शिल्स हमारे पास सेम ही रहते हैं जब हम प्रियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं सो न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास वो एटॉमिक साइज़ क्या होता है डिक्रीज होता है जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं प्रियोडिक टेबल में सो व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन प्रियोडिक टेबल इन पीरियड द एटोमिक साइज डिक्रीज एटॉमिक साइज़ डिक्रीज हो जाता है और न्यूक्लियस के करीब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाता है सो वी कैन से दैट एटॉमिक साइज डिक्रीज एंड न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल अच्छा जब हम ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ ऑप्शन एड होते जाते हैं एटोमिक साइज क्या होता है इंक्रीज होता जाता है वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल एटोमिक साइज इंक्रीज बिकॉज द न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज हम जब हम टॉप टू बॉड आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हमारे पास नंबर ऑफ शिल्स एड होते जाते हैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ती जाती है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से हमारे पास न्यूक्लियस का चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाता है वजह यह होती है कि एक तो दरमियान में शील्डिंग इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं दूसरा वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस किसे दूर हो जाते हैं तो न्यूक्लियस का अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर उतना मजबूती से होल्ड रखना आसान नहीं होता जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं पीरियोडिक टेबल में सो व्हेन वी कैन दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज इंक्रीज एटॉमिक साइज इंक्रीज एंड न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज अच्छा जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शल्स हमारे पास पीरियड्स में सेम रहते हैं सो वी कैन दैट द शील्डिंग इफेक्ट रिमेंस द सेम हाउ एवर जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ शल्स इंक्रीज होते जाते हैं और बेसिकली हमारे पास क्या होती है शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होती जाती है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं प्रियोडिक टेबल में शील्डिंग इफेक्ट इज बेसिकली द इफेक्ट इन विच द इनर इनर्शील इलेक्ट्रॉन शील द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास वो इफेक्ट होता है जिसमें इनर इनर्जील इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं रुकावट बनते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए ताकि आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का चार्ज उतना ज़्यादा ना आ सके लेट सपोज ये बुक हमारे पास न्यूक्लियस है सही है अब ये फर्स्ट शेल हो गया ये सेकेंड शेल, शेल, शेल हो गया और ये थर्ड शेल हो गया अब जो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रास्ते में रखावट बन रहे हैं थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए ये so, ये जो रकावट बनने, ये जो रकावट बनना है फर्स्ट और सेकंड शेल का इसको हम कहते हैं basically shielding effect. इसकी हम definition कुछ इस तरह करेंगे कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन शेल नंबर वन इलेक्ट्रॉन एंड शेल नंबर टू इलेक्ट्रॉन इन दिस केस इफेक्ट इन विच द इनर शेल इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स शील्डिंग इफेक्ट सो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं लेट्स सपोज ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है पीरियड टू का तो इसमें दो ही शेल होंगे ये पीरियड फर्स्ट है ये पीरियड सेकंड है तो पीरियड फर्स्ट में जित पीरियड सेकंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके दो ही शेल होंगे इसी तरह पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स के थ्री शेल्स होंगे सो so, जब हम पीरियड्स में जाते हैं लेफ्ट टू राइट

पीरियड में हमारे पास इंक्रीज होगी। गई हाउ एवर इन ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है लव फॉर एक्सट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है द इलेक्ट्रॉन इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वर्ड इन अ इन बॉन्ड जो आयनाइजेशन एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अगेशियस एटम एनाइजेशन एनर्जी हमारे पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी एटम को रिक्वायर्ड होती है ताकि उसके वैलेंस शेल से हम इलेक्ट्रॉन्स को हटा सकें सो so, जब हम पीरियड में जाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इफिनिटी इलेक्ट्रॉनगेटिविटी एनर्जी इंक्रीज़ होती है जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी और आइनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ग्रुप्स में हमारे पास डिक्रीज होती है आई होप आपको इस क्वेश्चन नंबर वन का डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल इसकी समझ आ गई होगी कि पीरियड्स किसे कहते हैं ग्रुप्स किसे कहते हैं और इवन पीरियड्स और ग्रुप्स में हमारे पास ट्रेंड्स किस तरह वेरी करते हैं आपको ये भी समझ आ गया होगा अच्छा क्वेश्चन नंबर टू में हमें कहा गया है स्टेट प्रियोडिक लॉ प्रियोडिक लॉ When एलिमेंट्स आर arranged इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर atomic नंबर देयर इज a periodic repetition ऑफ their केमिकल एंड फिजिकल properties. इस प्रियोडिकला में हमें कहा गया है कि जब हम इलीमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अरेंज करते हैं प्रियोडिक टेबल में तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक सर्टेन वक्फे के बाद इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको रिपीटेशन पाई जाएगी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल दे देता हूँ ग्रुप नंबर वन के एलिमेंट्स की ग्रुप नंबर वन के एलिमेंट्स में एक इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है इसी तरह ग्रुप नंबर टू के वैलेंसल में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ग्रुप नंबर टू के एलिमेंट्स के वैलेंसल में टू इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है सेम है एलिमेंट्स को हमने टेबल में अरेंज किया हुआ है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम लाइन बेरिलियम बिलो बर्निंग बोरॉन कार कार्बन लाइन बिलो बर्निंग कार ऑक्सीजन फॉर न्यू लाइफ और यहाँ पे सोडियम है सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन देखिए हर नाइन एलिमेंट्स के बाद इसी तरह सोडियम के जब हम नाइन एलिमेंट्स क्राफ्ट कर लेंगे तो ये यह जो यहाँ पे सोडियम के बाद जो नवा एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा वो आएगा पोटाशियम पोटाशियम तो पोटाशियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज सेम हैं हमने एलिमेंट्स को पीओडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया हुआ है और हर नवे नौ नंबर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले की प्रॉपर्टी से मिलती हैं पोटाशियम की प्रॉपर्टीज सोडियम से मिलती हैं सो डिफिनेशन की तरफ फिर आए विन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटोमिक नंबर देयर इज अ पीओिक रिपीटेशन इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आई होप आपको समझ आ गई होगी पीरियडिक ला अच्छा क्वेश्चन नंबर थ्री क्लासिफाई एलिमेंट्स इंटू टू कैटेगरीज ग्रुप्स एंड पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द कन्फिगुरेशन ऑफ देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें कहा गया है कि आप एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हाँ इसे कैरेक्टराइज हमें कैरेक्टराइज करके कैटेगराइज करके बताओ कि ये कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में लाई करेगा तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल आंसर है एलिमेंट को हमें अगर ये जानना हो कि एलिमेंट कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में लाई कर रहा है तो सबसे पहले सिर्फ़ हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा हमें पता होना चाहिए कि एटम्स के वैलेंस शील में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दूसरा ये कि ये वैलेंस शील हमारे पास कौन से नंबर पर आता है मतलब एटम में टोटल नंबर ऑफ शील्स कितने हैं और वैलेंस शील में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दो बातों का ख्याल हमें रखना होगा कि एटम्स में नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं देखिए यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिखा है फॉर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एन पीरियड्स वी विल लुक टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल एंड नंबर ऑफ शेल्स हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल का पता होना चाहिए और नंबर ऑफ़ शेल्स का पता होना चाहिए यह क्यों हमें पता होना चाहिए इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर शेल में होते हैं उससे हमें ग्रुप का पता चलता है इसी तरह जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं इससे हमें पीरियड का पता चलता है अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब यही है कि ये ग्रुप नंबर फर्स्ट में लाई कर रहा है अगर किसी किसी एटम के शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब यह है कि ये ग्रुप नंबर फोर में लाई कर रहा है अगर किसी एटम के शेल में सात इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब यह है कि ग्रुप नंबर सेवन वो हेलोजें वाले ग्रुप में लाई कर रहा है इसी तरह अगर हमें शेल अगर हमें वो शेल्स नंबर ऑफ शेल्स पता हो तो इसे हमें क्या फायदा होगा अगर हमें नंबर ऑफ़ शेल्स पता हो, तो इससे हमें पीरियड का पता होगा शेल नंबर वन में पीरियड नंबर वन में एलिमेंट्स का एक शेल होता है पीरियड नंबर टू में एलिमेंट्स के दो शेल्स होते हैं पीरियड नंबर थ्री में एलिमेंट्स के थ्री शेल्स होते हैं पीरियड नंबर फोर में एलिमेंट्स के फोर शेल्स होते हैं पीरियड नंबर फाइव में एलिमेंट्स के फाइव शेल्स होते हैं एंड सो ऑन सो नंबर ऑफ पीरियड से हमें नंबर ऑफ शेल्स से हमें पीरियड्स का पता चलता है एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स से हमें ग्रुप्स का पता चलता है तो देखिए लेट सपोज हमारे पास एक, एक एटम है एक्स इसके वैलेंस शेल में थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास फोर शेल्स हैं सो so, आप हमें बताओ कि ये एक्स एटम टेबल में कहाँ पे लाई करेगा अब आप खुद टेबल उठाओगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये मैं किस एटम की बात कर रहा हूँ ठीक है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें क्या पता चला नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें ये पता चला कि ये ग्रुप थर्ड में मौजूद है कि ये थर्ड ग्रुप में मौजूद है और इसमें फोर शेल्स हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पीरियड फोर में मौजूद है अच्छा अब पीरियड ग्रुप थर्ड और पीरियड फोर में जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट है हमारे पास एक्स और आप मुझे बताओ कि वो कौन सा एलिमेंट है जो थर्ड पीरियड और फोर्थ ग्रुप में लाई कर रहा है एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ एग्जांपल नहीं एक और टेस्ट ले ले एक एलिमेंट है एक्स इसके बैलेंसल में हमारे पास फोर इलेक्ट्रॉन्स है और ये हमारे पास इसके नंबर ऑफ ऑफशन्स हैं टू सो इसके वैलेंस शेल में फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एक, 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 एक एटम है इसके वैलेंस शेल में हमारे पास फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके टोटल नंबर ऑफ ऑफ्शन टू हैं आप मुझे बताओ कि ये यहाँ पे मैं कौन से एलिमेंट की बात कर रहा हूँ शाबाश इसे हल करके दो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ डिटरमाइन द डिमार्केशन ऑफ प्रियोडिकेबल इन टू एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक अच्छा इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है बेसिकली कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स बने हैं ये किस बेस पर बने हैं तो देखिए ये जब भी हमारे पास ब्लॉक्स बनते हैं पीरियोडिक टेबल में तो वो इस बेस पे बनते हैं कि वेलेंस शेल में कित कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं फिर से गौर से सुनिए कि वेलेंस शेल में हमारे पास कौन सा सब शेल फिल हो रहा है उसके बेस पर हमारे पास ये ब्लॉक्स बनते हैं इसके जब एस और पी ब्लॉक को एक्सप्लेन करके दूंगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा एस ब्लॉक हम ग्रुप ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट्स को एस ब्लॉक इलिमेंट्स कहते हैं इनको हम एस ब्लॉक इलिमेंट्स इसलिए कहते हैं कि बिकॉज देयर विलेज इलेक्ट्रॉन आर इन एस सबसे इनके valence electrons जो होते हैं वो एस सबशेल में होते हैं एग्जांपल मैं देता हूँ पीरियड नंबर फर्स्ट सोडियम की सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है सो इसके फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में इसके आठ इलेक्ट्रॉन और इसका जो थर्ड शेल है 3s1 सो ये अपने valence shell में कौन से सबशेल को फिल कर रहा है s सबशेल को सो so, इसलिए इसे हम कहते हैं एस ब्लॉक इलिमेंट्स तो ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड एलिमेंट आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज देयर बेलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एस सब्शियल अच्छा पी ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम ग्रुप थर्ड ए से लेके ग्रुप एट ए तक हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं अब हम इसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं बिकॉज देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी सब्सियल इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास पी सब में मौजूद है लेट सपोज कार्बन की मिसाल में दे देता हूँ आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास सिक्स इसके फर्स्ट शेल में हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन्स है सेकेंड शेल में इसके हमारे पास फोर इलेक्ट्रॉन्स है फोर इलेक्ट्रॉन में टू इलेक्ट्रॉन एस सब को पेयर कर रहे हैं जबकि टू इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या है पी सब में मौजूद है तो ये अपने वैलेंस शेल में कौन से सब को फिल कर रहा है पी सब शल सो इस बेस पर हम पीरियोडिकेबल में ब्लॉक्स बनाते हैं दिलीमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक ग्रुप थर्ड टू ग्रुप एट एलिमेंट्स आर कार्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज देयर वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन पी सबशल क्योंकि इनके विलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पी सबशल में होते हैं इसलिए हम इसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं इसी तरह डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे पास अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डी सबशेल को फिल करते हैं एप ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में एप ब्लॉक को फिल करते हैं इस बेसिस पर हमने पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स ब्लॉक्स बनाए हुए हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्लेन द शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल अच्छा इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि पीरियोडिक टेबल का शेप आप हमें एक्सप्लेन करके दो पीरियोडिक टेबल का शेप क्या है तो देखिए टेबल बेसिकली आप उठा के देख लें तो टेबल का बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शेप होता है इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बेस पर हमने इन टेबल का एक रेक्टेंगुलर शेप होता है इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमने एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किए हुए होते हैं इस टेबल में हमारे पास सेवन पीरियड्स होते हैं और आठ एटीन हमारे पास इसमें ग्रुप्स होते हैं टेबल में हमारे पास फोर ब्लॉक्स होते हैं ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड ए को हम एस ब्लॉक कहते हैं ग्रुप थर्ड ए से लेके ग्रुप एट ए तक हम इसे क्या कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स दरमियान जो ट्रांजिशन मेटल्स है इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और ये जो टेबल के नीचे लेंथनाइट और एक्टनाइट सीरीज है इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल आई होप आपको समझ आ गया होगा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है द लोकेशन ऑफ फैमिलीज इन टेबल इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि टेबल में आप फैमिलीज के लोकेशन को बताओ कि कौन सी फैमिली कहाँ पे लाई कर रही है अच्छा फैमिली किसे कहते हैं टेबल में ग्रुप्स का नाम तो आपने सुना होगा ना ग्रुप्स एंड पीरियड्स तो बेसिकली वो ग्रुप्स क्या है उस ग्रुप्स को हम कहते हैं फैमिली सो अगर इसकी हम डिफिनीशन करें दी वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट्स इन टेबल आर कार ग्रुप्स और फैमिलीज जो टेबल में वर्टिकल लाइंस होती हैं एलिमेंट्स की इसको हम ग्रुप्स भी कह सकते हैं और फैमिलीज़ भी इसे कह सकते हैं इसे हम फैमिली इसलिए कहते हैं बिकॉज दे हैव सेम केमिकल बिहेवियर इनके नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होने की वजह से इनका केमिकल बिहेवियर भी सेम होता है केमिकल बिहेवियर सेम होने की वजह से इसे हम कहते हैं फैमिली क्योंकि खानदान के सारे अफराद क्या होते हैं सिमिलैरिटीज़ रखते हैं सो कॉल्ड फैमिली जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स ग्रुप सेकेंड एलिमेंट को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं ग्रुप थर्ड एलिमेंट्स को हम बोरॉन फैमिली कहते हैं ग्रुप फाइव एलिमेंट्स को हम ग्रुप फोर एलिमेंट्स को हम कार्बन uh, फैमिली कहते हैं ग्रुप फाइव एलिमेंट्स को हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं ग्रुप सिक्स एलिमेंट्स को हम ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप सेवन एलिमेंट्स को हम हेलोजेंस कहते हैं जबकि ग्रुप एट के एलिमेंट्स को हम नोबल गेसेज या रेयर गेसेज भी कहते हैं सो ग्रुप एड एलिमेंट्स के ग्रुप के एड के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास नोबल गैसेस कहलाती हैं आई होप आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फैमिलीज हमारे पास पीरियोडिक टेबल में क्या होती हैं और कौन सी फैमिली कौन सी जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में उसको हमने कौन सी फैमिली का नाम दिया हुआ है ये मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है सही है आई होप आपको समझ आ गया होगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एंड पोजीशन ऑफ इन एंड टेबल। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का पोजिशन ऑफ एमेंट टेबल में जो हमारे पास एलिमेंट्स के पोजिशन है इससे क्या क्या ताल्लुक है मतलब अगर आपको एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दी दी हुई हो तो आप इससे किस तरह एटम का पोजिशन पॉइंट कर सकोगे प्रियोडिक्टेबल में मतलब इन दोनों का एक दूसरे के साथ तार्लुक क्या है तो ये तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था लेकिन इस क्वेश्चन में हम दोबारा पढ़ लेते हैं देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बेसिकली हमें आइडिया देती है कि में कितने नंबर ऑफ हैं और कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा हमने कन्फिगुरेशन की, की हमें नंबर ऑफ शेल्स का पता चल गया और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया अच्छा जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमें आइडिया देते हैं ग्रुप्स का मतलब वेलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एक होगा तो फर्स्ट तो ग्रुप एक होगा अगर वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स थ्री होंगे तो इसका मतलब यही है कि एलिमेंट थर्ड ग्रुप में लाई कर रहा है अगर वेलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन होंगे तो इसका मतलब यही एलिमेंट सेवन ग्रुप में लाई कर रहा है अगर एवेलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइव होंगे तो इसका मतलब यही है कि एलिमेंट फिफ्थ ग्रुप में लाई कर रहा है सो वेलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें क्या पता चला ग्रुप्स का और नंबर ऑफ शेल्स से हमें क्या पता चला पीरियड्स का so if we know periods and groups of elements, we can easily find the position in periodic table। अगर हमें किसी ऐटम के किसी एलिमेंट के, के का के ग्रुप का पता हो कि ये इस ग्रुप में लाई कर रहा है और इस पीरियड में लाई कर रहा है तो हम इजीली उस एटम को फाइंड कर सकते हैं सो दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूकुरेशन एंड द पोजिशन ऑफ इलीमेंट इन प्रियोडिक्ट रिलेटेड ओके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक्सप्लेन हाउ शील्डिंग इफेक्ट इन्फ्लुएंस पीरियोडिक ट्रेंड हमें कहा गया है जो पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शील्डिंग इफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये किस तरह हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट इसे किस तरह इफेक्ट करती है क्वेश्चन में हमें कहा गया एक्सप्लेन हाउ शील्डिंग इफेक्ट इन्फ्लुएंस पीरियोडिक ट्रेंड्स के शील्डिंग इफेक्ट का इन पीरियोडिक ट्रेंड्स पर क्या असर है तो देखिए शील्डिंग इफेक्ट की अगर हम डिफीशन मैंने आपको इससे पहले भी की कि शील्डिंग इफेक्ट इज द इफेक्ट इन विच द इनिशियल इलेक्ट्रॉन शील द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास वो इफेक्ट होता है जिसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं बचाते हैं फोर्स सेवन इलेक्ट्रॉन को बचाते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स सो इस इनर इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस के चार्ज का इफेक्ट करना ही हमारे पास क्या है इफेक्ट इन विच द इनर शील इलेक्ट्रॉन द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द्यूक्लियस अट्रेक्टिव फोर्स अच्छा शील्डिंग इफेक्ट की समझ तो आपको आ गई so, हमारे पास इफेक्ट करती है न्यूक्लियस चार्ज को शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास जो न्यूक्लियस मेनली चीज़ इफेक्ट करती है वो न्यूक्लियस चार्ज को इफेक्ट करती है जितनी हमारे पास शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होगी उतना हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज कम होगा क्योंकि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं ये न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड करते हैं लेट सपोज ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है सो so, ये हमारे पास एक शेल हो गया ये दूसरा शेल हो गया ये तीसरा शेल हो गया ये जो फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड शेल में हमारे पास क्या है एट इलेक्ट्रॉन्स है और लेट सपोज यहां पे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है सो so, ये क्या कर रहे हैं ये इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं ये न्यूक्लियस का चार्ज है सो so, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को महरूम कर रहे हैं न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स से और इस इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट इफेक्ट इन विज द इनरश इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स अच्छा जितनी हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी उतना न्यूक्लियस का चार्ज इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर हमारे पास कम होगा लेट सपोज हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है मतलब दो की बजाय हमारे पास यहाँ पे तीन शल्स हैं सो so, दो की जगह दो की जगह हमारे पास इन शल्स हमारे पास तीन ही जबकि चौथा ये शेल है सही है अच्छा दो शेल की बजाय हमारे पास तीन शेल हो गए मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गई न्यूक्लियस चार्ज हमारे पास क्या होगा फिर न्यूक्लियस का चार्ज मजीद कम हो जाएगा जितनी हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी उतना न्यूक्लियस चार्ज हमारे पास कम होगा अच्छा अगर न्यूक्लियस का चार्ज कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कम होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास कम होगी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हमारे पास क्या होगी कम होगी अगर न्यूक्लियस का चार्ज हमारे पास ज़्यादा है मतलब शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास कम है न्यूक्लियस चार्ज हमारे पास ज़्यादा है तो आइनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमारे पास ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारे पास ज़्यादा होगी सो दिस इज हाउ शील्डिंग इफेक्ट इफेक्ट्स ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज को इफेक्ट करती है अब न्यूक्लियस चार्ज हमारे पास ज़्यादा होगा तो ये इफेक्ट भी ज़्यादा होगा न्यूक्लियस चार्ज हमारे पास कम होगा तो ये वाले ट्रेंड्स में जो इफेक्ट है वो भी हमारे पास कम होगा दिस इज हाउ शील्डिंग इफेक्ट इफेक्ट्स दी ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंजेस विद इन ग्रुप्स एंड विद इन पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल हमें कहा गया है इस क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारे पास किस तरह पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स और पीरियड्स में हमारे पास वेरी करती है मतलब चेंज होती है सो so, देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हम डिफीनिशन करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो इज तो द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू तो वर्ड इट तो सेल्फ इन अ कोल एंड बॉन्ड इस कार्ट्रोनेगेटिविटी लेट सपोज ये दो तो एटम्स हमारे पास कोलेंटली बॉन्डेड है ये कोलेंटली बॉन्डेड है और ये एक दूसरे के साथ ये दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं सो so, देखिए इलेक्ट्रो ये क्लोरीन की ताकत ज़्यादा है क्लोरीन इस शेड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जबकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सो so, ये एटम की वो एबिलिटी होती है जिससे एटम ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ सो ये इलेक्ट्रो ऑफ क्लोरीन इज मोर देन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज्यादा होने की वजह से यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरिन के ज्यादा करीब होगा आई होप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की समझ आपको आ गई होगी अच्छा इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिपेंड करती है न्यूक्लियस चार्ज पर जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और न्यूक्लियस चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन है जितना न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होगा उतनी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी जितनी हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज कम होगा उतनी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी सो so, जब हम पीरियड्स में जाते हैं लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड नंबर ऑफ़ शेल्स हमारे पास सेम रहते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमारे पास न्यूक्लियस में इंक्रीज़ होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता है न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज होती है और ऑन द अदर हैंड जब हम ग्रुप्स में जाते हैं टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप्स में नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास इंक्रीज़ होते हैं शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन uh, न्यूक्लियस से और मजीद दूर चले जाते हैं जो तो हमारे पास ये न्यूक्लियस चार्ज क्या हो जाता है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज कम हो जाता है जब हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज कम हो जाता है तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारे पास कम हो जाती है सो वी कैन से कि दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट राइट इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन खत्म हो गए अच्छा आई होप आपको इस एस एल ओ क्वेश्चन की समझ आ गई होगी अभी भी समझ नहीं आई तो हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हाँ जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि सब्सक्राइब वाला बटन ना दबाना ना भूलें हमें सारा ही मेहनत आपके साथ कनेक्ट करने के लिए करते हैं तो अगर आप सब्सक्राइब्स वाला बटन दबा दें साथ में बिल आइकन दबा दें तो आपको मुसलसल नोटिफिकेशन आती रहेंगी आप ऐसे ही खूबसूरत तरीन वीडियोज़ देखते रहेंगे हमें दुआ में याद करते रहेंगे अपना ढेर सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफ